Hi guys, welcome back to my YouTube channel Easy Makeup. My name is Karishma. Please subscribe my channel and hit the bell icon. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो प्रोडक्ट के साथ मेकअप जो मैंने पारुल गर्ग मेकअप अकेडमी में सीखा था, जो मैम के फेवरेट फाउंडेशन थे उससे मैं मेकअप करने वाली हूँ. और इसके साथ साथ आज मैं क्रिएट करूँगी कट क्रीज आई मेकअप, जो कि आप मेहंदी, हल्दी या फिर भी आप क्रिएट करके जा सकते हैं. अगर आपको कलरफुल आईज पसंद है तो आप ये मेकअप क्रिएट कर सकते हैं. बिगनर्स के लिए भी है ये. स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी मैं. तो आज मैं यूज करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी फाउंडेशन, जो कि मैम का फेवरेट है. मैं कैसे यूज करती हूँ, उसकी टेक्निक क्या है जो हमने सीखी है पारुल गर्ग अकेडमी में, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. तो सबसे पहले मैं यहाँ रोज गोल्ड ऑयल लगाऊंगी रिकोड. मैं सारे प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो मेंशन कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा. मैं सारे प्रोडक्ट की लिंक शेयर करूंगी यहाँ डिस्क्रिप्शन में. इसको 3 से 4 मिनट इसी तरह से छोड़. 4 मिनट हो चुके हैं. अब मैं यहाँ प्राइमर अप्लाई करूंगी. जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ यूज कर रही हूँ आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से उसकी लिंक देख सकते हैं. मैं लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में. यहाँ मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ. ये बहुत अच्छा प्राइमर है. वैसे ये ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है ही, लेकिन मेरी ड्राई स्किन है और ये मेरी स्किन पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है. अब यहाँ मैं अपनी आईज पर अप्लाई करूंगी कंसीलर. बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी सॉफ्ट हैंड के साथ. अब मैं इसको करूंगी लूज पाउडर के साथ सेट. ये देखिए मैं यूज कर रही हूँ ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन है ये. ये देखिए इस तरह से मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी. अब मैं यहाँ थोड़ा सा डार्क ब्राउन लूंगी. ये देखिए अब मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पर ये रेड कलर अप्लाई करूंगी. ये देखिए मैं वी बनाऊंगी इस तरह से. इस तरह से मैं इसमें ब्रश भी मैंने लिया है. ये देखिए इस लाइन किस तरह से डिफाइन करूंगी. ये देखिए देखिए मैंने अपनी क्रीज. अब मैं यहाँ पे आउटर कॉर्नर्स पर रेड कलर अप्लाई कर लूंगी. ये देखिए आउटर कॉर्नर. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे जो कमेंट्स करते हैं, आपके जो भी डाउट हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. मैं आपके सारे कमेंट्स के आंसर करूंगी. आपके सारे मेकअप को लेके जो भी डाउट्स हो रहे हैं वो सारे क्लियर करूंगी. और इसके साथ साथ आप इतने प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. सारे कमेंट्स का मैं आंसर करती हूँ. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ रेड अप्लाई कर लूंगी. मैं ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ कॉर्नर्स पर. पिंक कलर अप्लाई करूंगी. ये देखिए इस तरह से कर लूंगी. ये देखिए लिक्विड ग्लिटर है जो कि मैं अब अप्लाई करने वाली हूँ. ये देखिए मैंने ग्लिटर अप्लाई कर लिया है. लिक्विड ग्लिटर है जो कि मैंने अपनी सिर्फ जो लिड है उस पर अप्लाई. यहाँ मैं यूज कर रही हूँ एलेगल प्रो कंसीलर. ये बहुत अच्छा है. पिगमेंटेड पार्ट पर मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ. ये देखिए मैं इसको करूंगी ब्लेंड. अब मैं यहाँ यूज करूंगी अपनी स्किन से एक टोन डार्क कंसीलर. यहाँ यूज करने वाली हूँ ये टिम पेंट स्टिक क्रायलॉन उनका है, तो मैं इसको अप्लाई करके इसको न्यूट्रल कर लूंगी. ये देखिए इसको मैं ब्लेंड करूंगी. यहाँ मैं यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी फाउंडेशन. इसको मैं बहुत जल्दी से ब्लेंड करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ब्लेंड नहीं हो पाता है. तो इसको मैं बहुत अच्छे से पहले मैं फिंगर से इसको अप्लाई कर लूँगी अपनी
फेस पर, वरना ये ब्लैंड नहीं हो पाता है। अब मैं इसको करूँगी सेट लूज पाउडर के साथ, होता है बट हो जाता है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें जल्दी जल्दी से, और फिर उसके बाद इसको कर लें सेट लूज पाउडर के साथ। जो मैंने फाउंडेशन लगाया था हुडा ब्यूटी, मैंने उसको सेट कर लिया है लूज पाउडर के साथ और बेकिंग भी कर लिया है। यहाँ मैं मेबलिन जेल आईलाइनर यूज कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। लाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है, अब मैं अप्लाई करूंगी पैन लाइनर और इससे मैं इसको डार्क कर लूंगी। देखिए गाइस बहुत पानी आ रहा है, लेकिन ये मेकअप खराब नहीं होगा। मैं अप्लाई करूंगी ब्लू पेंसिल, यहाँ डस्ट ऑफ कर लूंगी मैं इसको, ये देखिए इस तरह से। ब्लू के साथ ग्रीन कॉम्बो दिखना चाहिए, इसलिए मैंने ये अप्लाई कर लिया है। डस्ट ऑफ कर लूंगी, पानी आ रहा है तो आप देख सकते हैं ये वाटरप्रूफ है, ये मेकअप नहीं हटेगा। अब मैं डार्क ब्राउन के साथ अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी। देखिए अपनी आईज में मेकअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, साथ मैं आईलैशेस जब लगा लेती हूँ फॉल्स आईलैशेस तभी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सबको नहीं होती है बट मेरे को होती है, मेरे को ना थोड़ा सा हाथ लगाने की आदत है आईज में। मैं करूँगी फेस कॉन्टोर। फेस कॉन्टोर क्यों करते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो कर लूंगी ये देखिए इस तरह से। फॉरएवर 52 और मैं सारे प्रोडक्ट की डिटेल आपको मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी उसको, तो आप उसको वहां से ये देखिए। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर, ज्यादा पसंद है मुझे हाइलाइटर। जब तक आप हाइलाइटर नहीं लगाओगे ना आपका मेकअप जो है वो पता ही नहीं चलेगा आपने मेकअप किया है। मुझे बहुत पसंद है हाइलाइटर, ये देखिए प्यारा सा शीन आता है ना हाइलाइटर से, ग्लॉसी लगने लग जाता है मेकअप एकदम से, मेकअप में जान डाल देता है हाइलाइटर। तो मैं फिंगर से लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फिंगर से ना बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी लिप पेंसिल, अप्लाई कर लिया है। अब मैं यूज करूंगी लिपस्टिक, लिपस्टिक में यहाँ यूज कर रही हूँ इन्फिनिया। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ऑरिक व्हाइट पेंसिल जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। इसकी जगह आप रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है, और फॉरएवर 52 भी आप ले सकते हैं। फॉल्स आईलैशेस अप्लाई करने से पहले अपने लैशेस को इस तरह की इसके साथ अच्छे से पहले थोड़ा सा इस तरह से देखिए इस तरह से ये बैंड कर देंगे थोड़ा सा इसको। मैं आईलैशेस पर ग्लू लगा रही हूँ, कितना पानी आ रहा है लेकिन मेकअप बिल्कुल भी नहीं हटेगा ये मेकअप। इस तरह से मैं इसको ये देखिए 30 सेकेंड तक मैं इसको इसी तरह से सुखाऊंगी, इसको ऐसे नहीं करना है आपको, इसी तरह से सुखाना है। मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, फॉल्स आईलैशेस मैंने वेयर कर लिए हैं। आज मुझे बहुत आईज में पानी आया है और जैसा कि आपने देखा है अभी मैंने फिक्सर भी अप्लाई नहीं किया है, और आप फिक्सर ज़रूर अप्लाई करें। आप ब्राइट पर काम कर रहे हैं, ब्राइट पे वर्क कर रहे हैं तो आप फिक्सर ज़रूर अप्लाई करें, और फिक्सर अप्लाई करने के बाद आपका जो मेकअप है वो 24 आवर्स के लिए स्टे कर जाएगा। देखिए मेरी आँख से इतना पानी आया, मेरा मेकअप कहीं भी ख़राब नहीं हुआ है। फाइनल लुक आप मेरा देख सकते हैं, ये आप हल्दी ब्राइड हो मेहंदी ब्राइड हो इस तरह का लुक आप क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह का लुक आप क्रिएट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मेरे लिए इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, एंड फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ साथ इतने प्यारे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच, इसी तरह से कमेंट करते रहिए, अपना प्यार मुझे देते रहिए, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट का आंसर करना, तो फिर इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।